गौतम बुद्धांत। ये 10 लाख का फाइल बना था प्रभाग सुधारणा निधि के अंतर्गत। इस फाइल के तहत ये बुद्ध विहार बनाया गया था। मैं खुद एक देवी माला, मुझे बुद्ध विहार नहीं चाहिए। जो अनधिकृत बांधकाम किया है ये तोड़ दो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सम्राट नगर में बुद्ध विहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मनपा ने इसे सील कर दिया था, मगर आज मनपा अधिकारी सागर सालुंखे सम्राट नगर बुद्ध विहार पहुंचे और उन्होंने सील को खोल दिया है। आगे बने रूम का सील हालांकि मनपा अधिकारी सागर सालुंके ने नहीं खोला है। इनका कहना है कि बुद्ध विहार जो बनाया गया था उसका दरवाज़ा सामने की तरफ था, मगर उस दरवाजे को बंद करके सामने रूम बना दिया गया और बुद्ध विहार का दरवाज़ा जो है वो गली की तरफ खोल दिया गया। अब इस इलीगल तरीके से जो बुद्ध विहार के सामने रूम बनाया गया है वो स्थानीय लोगों के ऊपर है। उनकी मांग अगर रूम तोड़ने की है तो कार्रवाई करके मनपा रूम तोड़ देगी। अगर लोग नहीं तोड़ने के लिए कहेंगे तो मनपा कार्रवाई नहीं करेगी। सागर सालुंखे ने बताया है कि 2 दिन बाद ही दोनों तरफ के लोगों को मनपा कार्यालय में बुलाकर से जो है बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। हालांकि मनपा अधिकारी ने सील जरूर खोल दिया है, मगर अब बुद्ध विहार में अब 2 ताले लग गए हैं। एक ताला जो है वो परवीन परवार ने लगा दिया है और दूसरा ताला इसमें पहले से ही लगा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बुद्ध विहार और इलीगल बांध काम के बारे में क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है आपको सुनाते हैं। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक अख्तर सागर सालुंखे साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने बुद्ध विहार का ताला खोला है और ये जो आगे अनधिकृत बांधकाम हुआ है उसके ऊपर आज जो चिट्ठी लगा है कि ये भंती जी के लिए रूम है, तो स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें तो उनकी फैमिली रहती थी, भंती जी वगैरह कोई नहीं है। तो अभी वो रूम बचाने के लिए उन्होंने वो पट्टी लगाया कि भंती जी का रूम है। पर अभी सागर सालुंखे साहब ने कहा है कि स्थानीय लोगों को मंडे के दिन वो दोपहर में बुलाएंगे और स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर ये रूम रखना है भंती जी के लिए तो रखेंगे, अगर नहीं कहा तो वो रूम भी वो तोड़ने वाले। तो फिलहाल उन्होंने बुद्ध विहार का जो सील लगा हुआ था वो ताला भी उनके आदमी ने आके खोला हुआ है और ये रूम का ताला अभी भी है। अगर लोगों को कहना अगर उन्होंने मतलब अगर ये रूम नहीं रखना है तो वो लोग वो ताला तोड़ के वो रूम भी तोड़ देंगे। सागर सालुंखे खुद आके यहाँ के लोगों की मांग क्या है? यहाँ के लोगों की तो मांग यही है कि जो बुद्ध विहार का दरवाजा था जो फाइल में फाइल बनाए थे जब भी बुद्ध विहार का जो दरवाजा था वो आगे से बड़ा दरवाजा था और खिड़की थी वही खिड़की और ये सब चाहिए। और जो हटकर फैमिली ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो बुद्ध विहार है ये हमारे निजी पैसे से बनाया है। तो ये म्यूनसिपालिटी का वर्क ऑर्डर है। ये 10 लाख का फाइल बना था प्रभाग सुधारणा निधि के अंतर्गत। इस फाइल के तहत ये बुद्ध विहार बनाया गया था जो समाज मंदिर था, जो सभी समाज के लोगों को चाहे बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों के लिए ये खुला है और यहाँ पे स्थानिक लोगों ने ही बुद्ध विहार करके ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सभी मुस्लिम धर्म के लोग, सभी हिंदू, मराठा, सब दलित सब लोग मिलके यहाँ पे बुद्ध विहार चाहते हैं और बुद्ध विहार ही यहाँ पे होएगा। मतलब किसी का कब्जा हम चलने नहीं देंगे। स्थानिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई की जा रही है। हाँ, की जा रही है। सागर सालुंखे साहब ने स्थानिक लोगों का सुनवाई सुना है, इसके लिए उन्होंने बुद्ध विहार स्थानिक लोग के लिए खुला कर दिया। यहाँ पे अभी सभी स्थानिक लोग अपना प्रोग्राम वगैरह सब कर सकते हैं। वो स्थानीय लोगों द्वारा लगा है। अभी जो स्थानिक यहाँ के जो लेडीज है लोग है उन्होंने अपना ताला यहाँ पे लगाया है। अभी ये बुद्ध विहार और एक ताला जो लगा हुआ वो किसका है? वो ताला स्थानिक का ही किसी का है, उसका चाबी अभी मिल नहीं रहा है, वो चाबी लेके वो खोल दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि देखो बुद्ध विहार की जो पहले जो जगह थी नीलकंठ पाटिल की थी वो जो गिर गया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि बुद्ध विहार की पाटी लगा दी कि हमको बुद्ध विहार की जगह चाहिए। ठीक है, बुद्ध विहार की जगह चाहिए, इसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाया, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 10-20 साल रुकी, 40 साल बोल रहे हो, 40 साल उनकी उम्र भी नहीं थी कि अभी जिंदा रहे, 40 साल बोल रहे हो, 40 साल नहीं है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सरकारी निधि वापरी, यानी समाज मंदिर के लिए समाज मंदिर की निधि लेके यहाँ पे लगाया गया। तो ये बुद्ध विहार तो रहा नहीं, अभी समाज मंदिर है। तो हमको समाज मंदिर चाहिए, हमको बुद्ध विहार नहीं चाहिए। मैं खुद एक जैवी माला, मुझे बुद्ध विहार नहीं चाहिए, मुझे समाज मंदिर चाहिए और समाज मंदिर सबके लिए रहेगा। तो मेरा इतना कहना है कि जो कार मतलब प्रश्न से मेरा इतना कहना है कि जो अनधिकृत बांधकाम किया है ये तोड़ दो और हमको हमारा समाज मंदिर बना के दो जो सबकी यूज के लिए हो सके।
क्या नाम है आपका? सूर्यकांत विनायक कदम। आपके साथ मारपीट की घटना? खाली पूछने को। क्या क्या कहना चाहेंगे? ये बुद्धविहार बनाया इसके लिए पूछने गया था मैं। नहीं नहीं, अभी मनपा अधिकारी यहाँ पर आए थे, जो सील था वो खोल दिया गया। अभी बांध काम को लेकर जो उन्होंने कहा कि लोगों की जो राय रहेगी वही काम किया जाएगा, तो आपकी क्या राय है? मेरी भी वही राय है, तोड़ दिया जाए उसको, समाज मंदिर बनाया जाए। और आपकी क्या मांगे हैं? आपको जो सर पे चोट लगी है, वो आरोपी अभी तक फरार है, उनको पकड़ा नहीं गया। कितने आरोपी थे? कुल मिलाकर 3 आरोपी है। तो मुंब्रा पुलिस ने अब तक के कोई, अभी तक उन लोग फरार है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहना चाहोगे? कहना चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। पूछने को इतना मारा जा सकता है? अभी जान आने की बात है। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आपने बनाया क्या यहाँ पे, यहाँ बैठ के बीड़ी पी रहे। ये तुम बोल रहे बंती जी की जगह, बंती जी की अगर हम वहाँ पे जाके बीड़ी पियेंगे तो आप क्या बोलेंगे हमको? बंती जी की जगह है, ठीक है, मानता हूँ मैं बंती जी की जगह। अरे जब वहाँ पे तुम्हारे बुद्धिहार के अंदर मूर्ति नहीं, तो बंती जी की चीज ले चाहिए क्या? सही बात है, गलत बात है? 3 तारीख को हुआ, अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा? न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? 3 तारीख को झगड़ा हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पूरा एरिया जा रहा है वहाँ पे, अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा? रिपोर्ट आ गई बुधवार को, आज शुक्रवार शनिवार है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन लोग घूम रहे, मुझे पकड़े दीवा में, मुझे धमकी दी है, मैंने इसी लिखा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, धमकी दी है क्या? जैसा उसको मारे वैसे करके भी मारेंगे, मैं इनसे भी लिखा। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कमजोर नजर आ रहा है, कमजोर नजर आ रही है, फिर कार्रवाई नहीं कर रही। किसी के बहकावे में आ गया, किसी ऊपर से कुछ दबाव आया, दबाव की वजह से। आपका क्या नाम है? पूरे समाज की तरफ से मेरा इतना ही कहना है कि हम यहाँ समाज मंदिर चाहिए। और ये जो बना हुआ है इसके बारे में क्या गलत है? ये तो काफी बना है, 8 दिन पहले बनाया, खाली बच्चा पूछने गए। जिन्होंने बनाया वो तो बोल रहे हैं कि इसमें साधु संत रहेंगे। कहाँ है इसके साधु संत? हमको साधु नहीं चाहिए, हमको साधु नहीं, संत नहीं। देख लो आप, साधु है क्या संत? आपका क्या इरादा है इसके बारे में? समाज मंदिर होना चाहिए बस, और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। इसको माँ नहीं है, इसको न्याय मिलना चाहिए बस। पूरी जनता की वजह से हमारी यही इतनी शिकायत है कि इसको न्याय मिलना चाहिए।